Assalamualaikum viewers, दरवेश खान वीलॉग बैंड द ट्रूथ मैनचेस्टर से यूके से आपके साथ। सियासत और सहाफत के तालिब इल्म होने की हसत से शुरू में इरादा ये था कि इस चैनल के तवस्सुत से आपके साथ सियासी और समाजी मौजूदात को ज़ैर बहस लाया जाए। फिर काफ़ी गौर व खौज के बाद ये तय पाया कि दूसरे मौजूदात का भी अहाता किया जाए इस चैनल के थ्रू। आज मैं जिस टॉपिक से आपसे बात करना चाहता हूँ, ये मेरा इब्तदाई टॉपिक है, बज़बान दाग दहलवी कि नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़ुबान आते आते। गर्ज़ ये कि ज़िंदगी की हर शोभा हाय ज़िंदगी में नहायत गलत उर्दू कई बोली पढ़ी और लिखी जा रही है, लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पे देखते हैं तो ख़ास तौर पर इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। एज़ अ नेशन और मनाहिसुल कौम बहुत अफसोस और दुख होता है कि हम अपनी उर्दू ज़बान को भी सही तरीके से ना लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना बोल सकते हैं। सोशल मीडिया को तो हम इस तौर पर नज़रअंदाज कर सकते हैं कि वहाँ पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी बचा हुआ है और चेक एंड बैलेंस नहीं है और एक बेलगाम घोड़ा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पे तो उसका ख़ास ख्याल रखा जा सकता है। अगर हम माजी के झरोखों में झांकें तो हमें हर शोबे के अंदर नापगैर रोज़गार लोग नज़र आते हैं। मेज़बानी में अगर आप देखें पीटीवी के तारिक अज़ीज़, ज़िया मोहीद्दीन, अनवर मकसूद, मुईन अख्तर, ड्रामों के अंदर आप देख लें एक से एक बेहतरीन एक्टर्स, और न्यूज़कास्टर के शोबे में आप देखें अज़र लोधी, खालिद हमीद, इशरत फातमा। तलफ़ुज़ अल्फाज की अदायगी, लबो लहजे का उतार चढ़ाव, हर चीज़ का एक ख़ास ख्याल रखा जाता था कि आपको डायलॉग डिलीवरी, ड्रामों के अंदर मुकालमेबाजी कैसे करनी। मैं कोई लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट या माहिर लिसानियात नहीं हूँ, जो कुछ भी मेरी महदूद नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर मैं भी कहीं गलती करूँ किसी भी ज़बान के हवाले से, चाहे उर्दू हो या इंग्लिश हो, तो आप अपने कमेंट्स और फीडबैक के थ्रू फीडबैक दे सकते हैं। जब हम लिंग्विस्टिक जो रूल्स हैं दुनिया में वो ये कहते हैं कि आफ्टर 300 किलोमीटर्स आपका एक्सेंट जो है, लबोलहजा जो है, वो चेंज हो जाता है। सिर्फ एक जापानीज लैंग्वेज ऐसी है जिसको इन्होंने इस चीज़ को कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन हम उसके बारे में इतने वसूख से नहीं कह सकते क्योंकि मुझे जापानी लैंग्वेज के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन एक चीज़ मेरे नॉलेज में थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आजकल देखते हैं तो वो वहाँ पे चाहे न्यूज़ रीडर्स हों, एंकर्स हों मोस्टली, या सीनियर जर्नलिस्ट हों, या तज़ियाकार हों, वो तस्कीर व तानीस का ख्याल रखे बगैर बहुत ही गलत उर्दू कह रहे हैं या बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं। चले लबो लहजा या एक्सेंट की तो आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने रूल्स आपको जैसे बताए कि हर आफ्टर 300 किलोमीटर्स आपका एक्सेंट जो है वो लबो लहजा चेंज हो जाता है, तो यही हम ये रूल्स इतलाक कर लेते हैं उर्दू ज़ुबान के ऊपर। लेकिन तस्कीर व तानी, ज़े ज़बर पेश, गलत कवायद, ग्रामर जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, उसके तो बहुत गलत उर्दू कही जा रही है। इसकी चंद मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इससे कुछ अल्फाज हैं, बरीत, उसको मुसलसल बरीत पढ़ा जा रहा है न्यूज़ कास्टर की तरफ से, न्यूज़ चैनल्स पे। मुस्बत को मस्बत पढ़ा जा रहा है, अल्फाज को अल्फाज कहा जा रहा है। इस तरह बेशुमार अल्फाज हैं जो रोज़ हमारी समातों की नज़र हो रहे हैं और बहुत उससे तकलीफ़ और
एक दुख का पहलू नुमाया हो रहा है कि हम अपनी उर्दू जो हमारी कौमी ज़बान है उसको भी हम सही तरीके से कह पढ़ या बोल नहीं सकते। कुछ अल्फाज जो हैं बहुत ज़्यादा जो तकलीफ दे हैं उसमें एक मज़ा और एक जौनसा है। मैं नहीं ख्याल है कि जौनसा उर्दू लगत के अंदर होगा कहीं, लेकिन कुछ सहाफ़ी हजरात मुसलसल उसको यूज़ किया जा रहे हैं। कभी कभी गुमान ये गुजरता है कि ये जौनसा जो है कौन सा का छोटा या बड़ा भाई है। आप इसकी जगह जिसके या जिसको या जिनके या जिनको यूज़ कर सकते हैं। जौनसा कोई भी वर्ड नहीं है उर्दू के अंदर, खुदारा इसको यूज़ मत करें। इसी तरह एक और जो वर्ड है वो है मज़ा। मज़ा जो है सिर्फ खाने के साथ यूज़ किया जाता है कि बड़े मज़े का खाना है, ये बड़ा मज़ेदार खाना है, बड़ा लजीज खाना है। लेकिन बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं कि वो साहब बहुत मज़े के हैं, वो बहुत मज़े मज़े की बातें करते हैं। आप इस मज़े को सिर्फ यूज़ कर सकते हैं खाने के साथ, लेकिन अगर आपने किसी साहब का तस्करा करना है तो आप कह सकते हैं कि भाई ये बहुत दिलचस्प साहब हैं, ये बहुत हैरत अंगेज़ शख्सियत के मालिक हैं। मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ, मैं आपको लुफ्त की बात बताता हूँ, हम उनकी बातों से बहुत लुफ्तानंदोज़ हुए। ये आप कभी नहीं कह सकते कि मज़े मज़े की बातें करते हैं वो साहब, मैं आपको मज़े मज़े के किस्से सुनाता हूँ। तो बदकिस्मती के साथ ये सारे अल्फाज बड़ी तेज़ी के साथ राइज होते जा रहे हैं हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। जैसे मैंने कहा उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आने वाले वीलॉग्स में हम उसकी तरफ और तवज्जो दिलाएंगे और जाते जाते जो अल्फाज यूज़ किए जा रहे हैं उस पर एक गुमनाम शायर का एक शेर याद आ रहा है कि मेरा हमेशा उन अल्फाज पर यकीन रहा जो लब से अदा हुए ना होते हुए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। फी अमान अल्लाह।